पता है टाइम बहुत स्ट्रांग होता है, टाइम हमें रिजल्ट भी देता है। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं और जल्दबाजी नहीं करते तो चीज़ें अपने आप होती है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, हमें से किसी के अंदर नहीं। बहुत कम ऐसे हैं लोग हैं जो सिर्फ टाइम का वेट करते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पेशेंस रख के ये देखते हैं कि हाँ चीज़ें हो जाएंगी। पर पता है जब हम वो पेशेंस लूज़ कर देते हैं ना और जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत कुछ खो रहे होते हैं। सबसे पहले हम अपने आप की तबीयत ख़राब कर रहे होते हैं, अपना मानसिक संतुलन ख़राब कर रहे होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, थोड़ा सा वेट करो, टाइम के ऊपर भरोसा रखो। अगर आपको अंदर से यकीन है ना चीज़ें होंगी तो बिल्कुल होंगी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज साक्षी तंजल और मैं जा रही हूँ आज कहीं पे। इट्स माय बर्थडे टुडे, तो जब व्लॉग रिलीज होगा तो मेरे बर्थडे को 4-5 दिन हो चुके होंगे। सो मेरे साथ इस बार जो कलाब है वो है विवांता का, ग्रैंड विवांता का, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट मैं पहले भी जा चुकी हूँ बट यू नो इट वॉज अ बर्थडे स्पेशल, तो आई एम गोइंग। वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, वो भी रास्ते में ही है। सो इट्स गोना टेक लाइक 4 आवर्स का अभी भी रास्ता है एंड लेट्स सी कितने देर में मैं पहुँच पाती हूँ। बिकॉज मैं मतलब मेरा वहाँ पर जो चेक इन है ना वो 3 बजे का चेक इन है, तो मैं आराम से निकली हूँ लाइक 1 बजे और रात को मैं जागी हुई थी ऑब्वियसली। सो 1 बजे निकली हूँ, अब देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं। एंड मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ यार, क्वालिटी ऑफ साउंड जो है आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ लाइक हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ साउंड, क्योंकि मुझे 2-3 बार ना मतलब कमेंट्स आ चुके हैं, आई एम नॉट श्योर कि क्वालिटी ऑफ साउंड कैसा है। सो व्यूअर्स आप प्लीज़ चेक करके बताओ कि क्वालिटी ऑफ साउंड। अभी मेरा रास्ता जो है वो 3 घंटे का बाकी है और मैं हूँ ड्राइव थ्रू पे राइट नाउ एंड वाह मौसम देखो कितना प्यारा है। गाइस पता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो ना आपको पता है आपको बजट कैसे मेंटेन करना होता है। अगर आप रोड ट्रिप पे हो, सिंपल एंड सोबर तरीका है, आप जब गूगल में आप फोन करते हो ना आप इसमें ना रेट हमेशा आता है कि आपके कितने टोल टैक्स में कितने पैसे कट सकते हैं। सो यू नो एक अनुमान लग जाता है कि हाँ इतना फिगर टोल टैक्स का कटेगा ही कटेगा। सो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी रोड ट्रिप में कितने चार्जेस लग सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपना बजट आप खाने के अकॉर्डिंग तो खुद ही तय कर सकते हो कि हाँ मैं इतना ये खाता हूँ या इतना खाती हूँ, या मैं स्टारबक्स जाता हूँ या मैं मैकडॉनल्ड्स जाता हूँ, अपना बजट दोनों के हिसाब से आप तय कर सकते हो। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेट्रोल, जो आजकल की न्यू कार्स आ रही है ना वो पेट्रोल बहुत मैनेज करवाती है, बट ट्रस्ट मी तब भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बजट आप तय कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कि जैसे कि आपका बजट तय कर सकते हो, बेसिकली आप कितने किलोमीटर ड्राइव करने वाले हो उस चीज़ से आप बजट एक तय कर सकते हो कि आप कितने किलोमीटर्स जाने वाले हो। उस आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ मेरी इतने किलोमीटर में इतनी एवरेज देती है। हाँ एवरेज जरूर हिलती है, जब आप पहाड़ी एरिया में होते हो जरूर हिलती है, बट इट्स लाइक मैं तो अभी घर से सिर्फ 4-5 घंटा दूर जा रही हूँ, सो इट मीन्स कि मेरा कुछ ज़्यादा नहीं अराउंड एक साइड का 2000 का पेट्रोल लग जाएगा क्योंकि मेरे किलोमीटर कुछ 250 किलोमीटर थे। सो फाइनली रीचिंग विवांता और इस बार तो मेरी गाड़ी इंश्योरेंस क्लेम में पक्का जाने वाली है, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। देख रहे हो उसमें नया नया मतलब मेरे दिन ही पता नहीं कैसे चल रहे हैं, बहुत हार्डशिप चल रही है ऐसा लग रहा है लाइफ में, बट दिस इज़ गोना चेंज पूरा। दिस इज़ नॉट डन बाय मी बट दिस इज़ एक्चुअली डन बाय मी, सो इट्स गोना चेंज। ये जाएगी इंश्योरेंस क्लेम में वापस। So that's the property guys, look at that wala room, so here a room, let's see washroom, oh let's see mai shakal ud chuki hai, oops That's a TV, that's basic and बाहर चलते हैं। ओके दैट्स ए बालकनी। पीछे कपड़े सूख रहे हैं, we don't want to watch कपड़े सूखते हुए। Room is nice, that's the cupboard to keep सामान। हम बाहर चलते हैं फिलहाल बिकेस।
हाई टी चल रही है, तो यहाँ पे हाई टी है, सो इफ यू वांट टू हैव हाई टी आल्सो, तो इनकी हाई टी लगती है इवनिंग में, जो कि मेरे सामने है इस वक्त। पता है यहाँ बहुत ह्यूमिड हो रहा है इस वक्त इन्वायरमेंट, मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़ा सा तो इन्वायरमेंट कूल होगा, इतनी ग्रीनरी में है यह जगह। सो ओवर देयर इज ए हाई टी। सो गाइस यहाँ पे बफे सिस्टम है, सो दिस इज सूप, दिस इज रोटी, दिस इज पास्ता, कुकुम्बर, रायता, इतने सारी चीज़ें हैं इन लोगों के पास। सो लेट्स जस्ट पुट ऑन सब थिंग्स एंड आई शेयर द एक्सपीरियंस कि फूड एक्चुअली कैसा है इनका। मेरे को तो पास्ता आज खाना ही खाना है। अपना बर्थडे सारे अनलोन लोगों के साथ एक तरह से बना रही हूँ, बिल्कुल न्यू लोगों के साथ। अब मुझे ये नहीं पता मैं पहले किसको खिलाऊं, खुद को खिला दे, खुद को खा ले, खुद को खा ले, अरे खुद को खा ले पहले। फोन पकड़ तू, रेस्ट हो गया, मैं सबको सर्व कर देना। ओके कमी रखो बिल्कुल, हां थोड़ा सा सबका सेम आंसर आए एक साथ, गोविंद को खिलाओ। के क्रिस्टी गोविंद इज अ वेरी गुड फ्रेंड सिंस 1 ईयर। तो पहले हम लड़कियों को खिलाते हैं, सारी लड़कियों को, तीन ही तो है सारी लड़कियां, जो तीन लड़कियां भाई करे इसको पहले दोस्त में। हां अबे यार बर्थडे बर्थडे उसका है यार, हैप्पी बर्थडे यार, पहले पहले मैंने खाया, मैंने बहुत खाया यार, हैप्पी बर्थडे। सारे सारे डन, सबका हो गया, मैं कंजूस नहीं, रख दो मैं आके खा रहा हूं। गुड मॉर्निंग विद दिस व्यू। अभी दो मिनट पहले ये जो मंकी है ना, वो गिलास में बचा कुचा माल पी रहा था। एक्चुअली दिस इज सेकेंड डे, यस भाई ख़त्म है भाई, नहीं बचा कुछ, नहीं बचा। ये है भावना, उमंग, विशाल और ऊपर कौन है, नीमरा, नीमरा छुपी हुई है गाइस। हाय नीमरा, सो दीज आर द फ्रेंड्स फ्रॉम द ब्लॉगिंग इंडस्ट्री। एंड उसके अलावा यहाँ पर है रमन मेरे साथ, और दो लोग अभी, तीन लोग अभी रूम में है ना, आई गेस, हाँ तीन लोग रूम में है। सो इस प्रॉपर्टी में अराउंड 20 रूम्स हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखे अभी तक। तो कुछ बड़ा स्पेशल होता है तो मैं आपको शो करती हूँ। एंड ऊपर से ये स्विमिंग पूल है अच्छा खासा, एंड यहाँ पे मुझे लगता है स्पा मसाज वाला ऑप्शंस हो सकते थे, बट यहाँ पे भी बंद है स्पा मसाज। इनका खाना बहुत अच्छा है और बफे सिस्टम इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करा हुआ है, और इवन ये जगह भी उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई है। इवन यू आर लुकिंग फॉर अ बड़ी शादी और समथिंग, या फिर छोटी, मतलब नॉट बड़ी शादी बट छोटे से पार्टी फंक्शन और छोटी शादी, यू कैन एक्चुअली कम। ये क्या है? सो गाइस मैंने गोविंद को तो कैमरे पे इंट्रोड्यूस अभी कराया नहीं, देख रहे थे। और तुम्हारा नाम क्या है? रोहित। अक्षय, अक्षय तुम स्पेशल शूट के लिए लेके बैठे हुए हो ऐसे, इतने इतने ध्यान से सब कुछ। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू ट्राई एवरीथिंग ओवर यार, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिंस इन उत्तराखंड, आई मीन उत्तराखंड नो, सो आई जस्ट आस्क्ड देम कि अभी क्या क्या रेसिपी यूज किया है बनाते हुए। हां, दे सेड आई मीन दे हैव यूज्ड यू नो द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट दे हैव एडेड, स्पेशली द मसालास। अच्छा, सो स्पेशली द मसालास, तो सबसे बेस्ट तुम्हें क्या लगा? अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट इट, आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट अप, यू जस्ट। अरे मैंने इंटरफेयर कर दिया, मैंने इंटरफेयर कर दिया। दिस इज रियली गुड। हां, मैं तो खाया है, जस्ट ट्राइंग। अच्छा अच्छा, यू नो द फ्लेवर, आई मीन इन दिल्ली वी कॉल इट दाल फ्राई। Okay. Yeah, the name is entirely different. It is dal kaboo dal. Dal kaboo dal. Okay. So guys, aaj onion raita hai, noodles hai, and I'm gonna try dal. Dal kabila. Okay, aloo.
इट्स कुमाओनी। सो मतलब इनका ना सारा का सारा जो सेटअप है ना, ये कढ़ाई चिकन हो गया वेजिटेरियन, ये बटर पनीर है, इनका सारा जो सेटअप्स है ना वो आपका बफे सिस्टम पे है, दोपहर को, रात को या फिर मॉर्निंग टाइम पे। मॉर्निंग टाइम पे तो मैंने रूम में ही खाना खा लिया। आई वॉज लाइक कि मैं, मेरी हिम्मत ही नहीं थी उठने की, मुझे ऐसा फील हुआ। मैं सारे फ्रेंड्स वहाँ बैठे हैं, मैं सिट विद देम। यहाँ पे ना एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी है जो बिल्कुल मेरे सामने है, और पता है मतलब हम लोग वहाँ पे बफे सिस्टम है सारा खाने का, एंड ऊपर भी बैठने की जगह है इन लोगों के पास, अगर मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाती हूँ। और 20 रूम्स में ना, मतलब ये है वही, अभी यहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ होगा पीछे। तो 20 रूम्स में ना, जो ऊपर के कुछ रूम्स है ना उनका टेक्सचर बहुत ही डिफरेंट है, बट अभी सारे रूम्स यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। मुझे सबसे पहले प्यारा एरिया यही लगा, स्विमिंग पूल वाला, सच बता रही हूँ। सो गाइस, ये है इस जगह का रिसेप्शन एरिया, और चेक करो कि इनका बोर्डिंग वर्क कितना प्यारा है। एंड हम बात करते हैं अभी यहाँ के जो भैया हैं उनसे, ठीक है भैया, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। आप मुझे ये बताओ, आप कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो? 3 महीने हो गए। कितने रूम्स हैं यहाँ? 24 है। मैं 20-20 समझ के बैठी हुई थी। अच्छा, मैं 20-20 का ऐसा 24 रूम्स हैं। तो भैया सबसे बेस्ट रूम कौन सा है यहाँ का? ऊपर के सारे बेस्ट हैं, नीचे के हमारे नीचे भी बेस्ट है, नीचे अच्छा बेस्ट। अच्छा, तो ऊपर वाला मुझे आप सबसे बेस्ट रूम दिखाओगे शूट के लिए? सारे ही सारे फुल हैं। सो गाइस, रिसेप्शन एरिया के बाद इनके पास सामने पार्किंग है, आराम से बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। सो गाइस, ये 606 में एंटर हुई हूँ मैं, एंड दिस इज द रूम, दिस इज द वॉशरूम, ये वाला मेरा वॉशरूम की तरह ही है, एंड दिस इज द मिरर, एंड लुक एट दिस रूम। इनका बालकनी एरिया ऊपर है, इनकी टेक्सचर चेक करो कितना अमेजिंग है ना, एंड विद द टीवी, हेलो। नहीं, इनका ये वाला चीज़ कितनी अच्छी लग रही है ना, मतलब लाइटिंग का। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, बट दिस इज एक्चुअली लव। और ऊपर से वो वाला देखिए, लाइट्स मुझे बड़ी पसंद है। मैं भी यही सोच रही हूँ हमारे रूम में क्यों नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा, दिस इज अपर कैटेगरी रूम, बट इसका वॉशरूम हमारे रूम की तरह ही है, पता है। इसमें 601 में एंटर कर रही हूँ, ये वाला चेक करो, ये बहुत सेक्सो बना हुआ है, इसकी चेक करो टेक्सचर। हाँ, इट्स नाइस, इवन आई, मतलब इस रूम की वाइब्स कितनी प्यारी है, इवन आई लाइक दिस वन। नहीं दे दे, ये लोग, ये हम लोगों को कम ही ना समझते। ये वाला रूम चाहिए था। दिस इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। So guys, this is the dinner for the night. और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो सामने बैठे हैं, बाकी लोग बाहर बैठ के अपनी महफिल जमा रहे हैं। हम लोग महफिल जमाने वालों में से नहीं है, हम लोग खाना खाने वालों में से हैं। So guys, कल का सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है, अभी मैं खाना खा लेती हूँ। एंड मुझे पता है कि मैंने कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करा, बट आई गेस प्रॉपर्टी आपको पसंद आएगी, आपको रूम्स पसंद आएंगे। अगर आपको कैसे लगे रूम्स मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, फिर मैं खाना खा लेती हूँ। लास्ट डे, मैं इसके बाद जा रही हूँ। सो इट वॉज अमेजिंग स्टे विद ग्रैंड विवांता, बाकी तो ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स से भी शेयर करेंगे। सुबह के बज रहे हैं 10, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ बिना नहाए। इट्स टाइम टू लीव, कल मैं ठंडा हो गया। हाउ वाज योर स्टे? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये देखो लड़का कैमरे में देखो, सिगरेट पीते हुए भाग गया। ओके गाइस, कैसा था? अमेजिंग, बस अमेजिंग यार। ये लड़की तो सुबह सुबह खाने में लगी हुई है। कह रही हूँ भी देख सकते हो, लाइक आई एम लाइक अबाउट टू लीव, स्टिल आई एम बिजी इन द फूड। आई गेस फूड इज द बेस्ट यहाँ पे, है ना? फूड यहाँ पे बेस्ट है ना? हाफ राइस इज वेरी गुड। अच्छा, व्हाट यू आर हैविंग हियर? ये शेक क्या है? शेक इज
मिल्कशेक है. अच्छा मिल्कशेक है. एंड वी हैव दिस फ्रूट पैलेट. अरे देन आइसक्रीम एंड देन नूडल्स. सही है. तुमने खा लिया? तो नाश्ता हो गया. चल हाँ जी बिल्कुल. तो गोविंद हाउ वाज योर स्टे? ये देखो ये तो हर कमरे में घुस जाता है लड़का. अच्छा अलाउ है ब्लॉगर. चलो तुम तो रहने दो. चार रूम एक्चुअली तुम भूल गए. एग्जैक्टली. वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मेरे को पता है मैंने प्राइस लिस्ट शेयर नहीं करी. आप डायरेक्ट इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो जिम कॉर्बिट में और आप इनसे बात कर सकते हो प्राइस लिस्ट के लिए. एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग. सी या.